चलिए प्यारे छात्रों, चलिए आइए हम लोग आज फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पिछले फिजिक्स की क्लास में हम लोग पढ़े थे कि टेरॉइड का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो, उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। अब टेरॉइड के बाद वाले सिचुएशन को हम लोग पढ़ते हैं कि इसके आगे क्या होता है। तो टेरॉइड वाले में हम लोग प्रूफ किए थे, उसके पहले हम लोग परिनालिका के बारे में पढ़े थे। आइए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, उसके आगे का टॉपिक देंगे। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक चालक पर, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक चालक पर कार्यकारी बल, कार्यकारी बल ये टॉपिक बनाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक चालक पर कार्यकारी बल। तो इस टॉपिक्स में हम लोग ये पढ़ेंगे, ये समझेंगे कि आखिर सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू पहले से दिया रहेगा। एक धारावाही चालक तार को हम लोग उसी चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे और उसमें करंट पास करेंगे। जैसे ही हम लोग उसमें करंट पास करेंगे तो हम लोगों को कितना फोर्स प्राप्त होगा, कितना बल हमें प्राप्त होगा, वो हम इस टॉपिक में सीखेंगे, राइट। तो चलिए अब हम लोग इसके नीचे कुछ बात लिखते हैं। तो पहले फर्स्ट हम देंगे लिखेंगे इसके बारे में। माना कि एल लंबाई का एक चालक तार, माना कि एल लंबाई का एक चालक तार पी क्यू, उस तार का नाम है पी क्यू। जैसे कि ए बी रेखा होता है वैसे ही चालक तार पी क्यू, कॉमा चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित है, चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट एरो, सेकेंड एरो में लिखेंगे, यानी यहां से सेकेंड एरो, उसमें लिखेंगे माना कि चालक तार पर उपस्थित क्यू आवेश भी वेग से गतिशील है तथा इसमें विद्युत धारा आई प्रवाहित किया जा रहा है, इसमें विद्युत धारा आई प्रवाहित किया जा रहा है। चलिए प्यारे छात्रों, अब हम लोग इस टॉपिक्स को बढ़िया से समझते हैं, कुछ फार्मूला प्रूफ भी है, जरा अच्छा से देखिएगा। सबसे पहले यहां पे जो हम अभी बना रहे हैं, ये डॉट डॉट जो प्रदर्शित हो रहा है, इस डॉट को हम अभी बोलने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र। ये सब सारा क्या है, तो ये सब दिखा रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र, ये सब चुंबकीय क्षेत्र है जो भी हम दिखा रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र है जिसको बी वेक्टर बोल सकते हैं हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र को बी से सूचित करते हैं। अब ये चूंकि चुंबकीय क्षेत्र है और इसके, ये चुंबकीय क्षेत्र है, डॉट का मतलब क्या कि वो मेरे तरफ आ रहा है, यानी कि बोर्ड के परपेंडिकुलर है। ऐसे ऐसे बहुत सारा चुंबकीय क्षेत्र है जो आपके तरफ आ रहा है, इसलिए हम एक पॉइंट से डिनोट्स किए हैं। अब इसमें एक वायर रखा हुआ है, एक तार रखा हुआ है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम पी क्यू है, और इसका लंबाई टोटल कितना है, टोटल एल लंबाई है। अब टोटल एल लंबाई तो हो गया इस तार का। अब इस तार में चूंकि करंट पास कर रहे हैं ना हम लोग, इसमें हम लोग अब करंट पास कर रहे हैं, तो इस पे बैठा हुआ आवेश क्या होगा, भी वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा, यानी कि इस पे जो क्यू आवेश है तार पे, वो कहां जाएगा, तो गतिशील होगा, तभी ना करंट होगा। यानी कि जब करंट दे रहे, इसका मतलब क्या कि आवेश दौड़ना शुरू किया। करंट का डेफिनेशन क्या है कि अगर किसी भी आवेश को गतिशील किया जाए तो हमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है, प्राप्त होता है, करंट प्राप्त होता है। इस वायर में
क्यू आवेश है, चूंकि करंट दे रहे हैं तो क्यू आवेश रुका नहीं रहेगा, वो भी वेलोसिटी से आगे मूव करेगा। और चुंबकीय क्षेत्र चूंकि आपके तरफ है मेरे तरफ है, तो अब हम लोग जरा यूज करते हैं दक्षिण हस्त नियम और फिर चुंबकीय बल की गणना करते हैं। तो जी हाँ बिल्कुल, धारा इधर से प्रवाहित कर रहे हैं तो धारा की तरफ हाथ रख दिए, और चुंबकीय क्षेत्र किधर है, बोर्ड के परपेंडिकुलर, उधर हम लोग अंगुली को मोड़ेंगे, तो इधर अगर अंगुली को मोड़ेंगे तो अंगूठा नीचे जा रहा है, इसका मतलब कि इधर फोर्स होगा, और कौन सा फोर्स होगा, तो चुंबकीय बल होगा। तो उसके नीचे ये बिल्कुल अच्छा से फिगर बना लेंगे। अब हम सबका वैल्यू मान चुके हैं कि एल लंबाई का एक तार है जिसका नाम पी क्यू है, इसमें आई धारा दिया जा रहा है, इस पर बैठा हुआ जो क्यू आवेश है वो भी वेलोसिटी से भी वेग से गतिशील है, तो हम लोगों को एफ का मान निकालना है। अगर ऐसा सिचुएशन रहेगा तब हम लोग को कुल बल कितना प्राप्त होगा, ऐसा ही हम लोग व्यंजक प्राप्त करने वाले हैं। जरा हम लोग आप जानते हैं तो आप लिखिएगा कि हम जानते हैं कि एफ एम का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्यू वी क्रॉस बी होता है। जी हाँ, ये चीज जो जैसे चैप्टर स्टार्ट हो रहा था, ये चैप्टर में स्टार्टिंग में ही हम लोग को फॉर्मूला मिला था एफ एम बराबर क्यू वी क्रॉस बी, ये हमें मिला हुआ था। तो जिसका मतलब हम ये लिख सकते हैं क्यू वी क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप समझते हैं ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा होता है, जैसे क्रॉस रहेगा तो साइन थीटा लिखेंगे, अगर यही चीज डॉट रहेगा ए डॉट बी रहा तो हम इसको बोलते हैं ए बी कॉस थीटा, ये हम लोग वेक्टर में पढ़ते हैं। तो यहां पे क्या है, क्रॉस है, तो क्रॉस है तो इसको क्या लिखेंगे, क्यू वी बी साइन थीटा। अब जरा आप देखिए वी और बी के बीच कितना एंगल का कोण है, तो यहां इधर से इधर वी वेलोसिटी है और बी कहां है, तो आपके तरफ, तो ऐसे ना हुआ, यानी कि जब क्यू आवेश गतिशील हो रहा है तो आगे की ओर बढ़ रहा है, तो आगे की ओर ये वाला हो गया मार्कर, और चुंबकीय क्षेत्र बी कैसे है, तो आपके तरफ, तो दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो हम इसको लिखेंगे क्यू वी बी साइन 90 डिग्री। और आप 10th क्लास में पढ़े होंगे साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1, इसलिए हम बोल सकते हैं कि एफ एम का वैल्यू क्या आ गया, क्यू वी बी आ गया। अच्छा, अब इसके बाद जो काम करना है, अब उसके बाद चूंकि हम लोग इसके पहले पढ़ रहे थे ना कि वहां पे हम लोग फेरों की संख्या पढ़ते थे, यानी कि एक कुंडली होता था और उसमें हम लोग फेरों की संख्या को कैपिटल एन मानते थे, अब हम लोग यहाँ पे कुछ दूसरा चीज करने वाले हैं। अब वो कौन सा चीज है जरा देखिए, तो अब वो जो वैल्यू है कौन सा है, जैसे कि इस सिचुएशन में कौन सा सिचुएशन, तो सबसे पहले हमें चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू दिया हुआ है, इसमें हमें एक वायर रखे हुए हैं जिसमें आई करंट पास कर रहा है, इस पे बैठा हुआ क्यू आवेश भी वेलोसिटी से भी वेग से दौड़ना शुरू कर दिया है, तब हमें एफ का वैल्यू निकालना है। तो एफ एम का वैल्यू क्यू भी अभी तक के ला चुके हैं, अब यहाँ पे हमको एक और चीज मानना पड़ रहा है, वो कौन सा चीज, देखिए प्रूफ करने के लिए हम बार बार बोलते हैं चीजों को आप प्रैक्टिस कीजिए, यहाँ पे जो क्यू आवेश था वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तो यहाँ पे फिर से एकांक लंबाई के लिए, एकांक लंबाई के लिए आवेश हम मान रहे हैं कि कैपिटल एन है। देखिए एकांक लंबाई का मतलब क्या, पूरा बड़ा एल लंबाई का टुकड़ा था अभी जो हम माने थे, लेकिन एकांक लंबाई का मतलब हुआ कि एक यूनिट, एकांक लंबाई के लिए जो आवेश है उसका वैल्यू हम एन माने हैं। तो जरा अब कुल आवेश निकाल लेते हैं कि कुल आवेश कितना होगा, इसलिए कुल आवेश का मतलब क्या, क्यू का मान, क्यों, क्योंकि अभी हम लोग फिगर में तो कुल आवेश का मान छोटा क्यू निकाले थे, तो इस छोटा क्यू को मान निकालने के लिए एन, यानी कि ये तो एकांक के लिए है लंबाई के लिए एन, और टोटल लंबाई कितना है एल, और एक पर आवेश क्यू, तो सबके लिए एन एल क्यू होगा। यानी कि देखिए कुल आवेश निकालने के लिए एकांक के लिए एन और टोटल लंबाई एल, तो एन एल, और चूंकि आवेश छोटा क्यू है तो
छोटा क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से कुल आवेश को हम क्या लिख सकते हैं, एन एल क्यू। तो फिर से लिखेंगे पुनः, एफ एम बराबर क्या है, क्यू भी बी है। तो यहां से क्यू का मतलब क्या, तो क्यू का मतलब एन एल क्यू भी बी, राइट। अब चलिए एन एल क्यू भी बी आ गया एफ एम का वैल्यू। अब यहां से एक और चीज मानना पड़ता है, माना कि प्रवाहित धारा आई बराबर एन क्यू भी। याद रखिएगा ये चीज मानना पड़ता है, क्यों, क्योंकि जो अभी हम लोग फिगर बनाए हुए थे उसमें प्रवाहित धारा हम लोग आई लिखे हुए थे। अब उस आई के मान आपको क्या पुट करना है प्रूफ करने के लिए, एन इंटू क्यू इंटू भी। एन का मतलब एकांक लंबाई के लिए आवेश, क्यू का मतलब छोटा क्यू जो पूरा में आवेश है, और वी का मतलब क्या, तो वी का मतलब वेग, किसका वेग, आवेश का वेग। तो अब हम लोग आई के जगह पे पुट करेंगे एन क्यू भी वी। तो अब यहां पे लिखिए कुछ इस तरह से, चलिए अब हम एन क्यू भी के जगह पे क्या पुट करने वाले हैं, आई। तो कहां कहां एन क्यू भी है, एन है, क्यू है, तो ये आई एन क्यू भी के जगह, क्योंकि हम लोग माने हुए हैं और फिर बच जाए। अब देखें आई एल भी, तो ठीक है, फिर से मानना पड़ता है एक और चीज, माना कि एल तथा, एल का मतलब लंबाई, तथा बी चूंकि क्षेत्र का कोण थीटा है, इसमें एंगल कितना मान ली है, थीटा। देखिए अब कोई कोई चीज बीच में माना जा रहा है ना प्यारे छात्रों, आप उसको याद रखना पड़ेगा कि हम लोग इसके बाद का सिचुएशन क्या पुट करते हैं, फिर उसका वैल्यू कहां पुट करना है, आप अपने हिसाब से कीजिएगा ना, तो आप फंस जाइएगा, आपका व्यंजक नहीं आ पाएगा, आप प्रूफ नहीं कर पाइएगा। यानी कि जो भी व्यंजक प्राप्त करने वाला जो होता है या फिर प्रूफ करने वाला जो सिचुएशन होती है, आपको उस पर ध्यान रखने का जरूरत होता है, आपको उसको अच्छा से करने का जरूरत होता है, समझ रहे। तो हम लोग यहां पे एल क्यू भी के जगह पे आई रखे आई एल बी। अब एल और बी के बीच कितना थीटा मान, कौन मानना है, थीटा। तो जब हम थीटा मान लिए तो हम इसको लिख सकते हैं आई एल बी साइन थीटा। एफ एम का वैल्यू हो गया आई एल बी साइन थीटा, क्योंकि कौन, जब हम थीटा मान लिए हैं तो साइन थीटा लिख देंगे। अब उसके बाद का जो प्रोसेस है, आप ये देखिए, इसको ऐसा लिख सकते हैं आई को गुना करेंगे एल बी साइन थीटा के साथ, बात तो वही रहेगा। और जब हम इसका उल्टा, जैसे अभी अभी हम लोग पढ़े ए क्रॉस बी का जो फार्मूला होता है ए बी साइन थीटा होता है, तो कहीं ए बी साइन थीटा अगर रहेगा तो उसको तो ए क्रॉस बी भी लिख सकते हैं। इट मीन्स कि आई का आई छोड़ देंगे और एल बी साइन थीटा को लिख लेंगे एल क्रॉस बी, और ये किसका वैल्यू हो गया, एफ एम का। यानी कि प्यारे छात्रों यही आ गया हमें चुंबकीय बल का वैल्यू, चुंबकीय बल का वैल्यू किस कंडीशन में, याद रखिएगा कि जब ऑलरेडी चुंबकीय क्षेत्र मौजूद रहता है और उसमें एक धारावाही चालक को रखने पर हमें कुल बल प्राप्त होता है, कितना, एफ एम बराबर आई एल क्रॉस बी, पक्का। तो चलिए आगे का टॉपिक्स पढ़ते हैं जिसका नाम है फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम। फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इस टॉपिक को वीवीआई बना लीजिएगा, क्योंकि ये अक्सर पूछता है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बारे में बताइए। फ्लेमिंग क्या है, तो एक वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र और धारा और चुंबकीय बल को ज्ञात करने के लिए एक बाएं हाथ का नियम दिया जिसको वाम हस्त नियम कहा जाता है। प्यारे छात्रों जो फिगर आपको दिख रहा होगा, इस बाएं हाथ का नियम में फ्लेमिंग ने यह बताया कि बाएं हाथ के पांच अंगुलियों को, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, ये तीनों को अंगुलियों को इस कदर लंबवत फैलाना है कि तीनों बिल्कुल 90 डिग्री के बनाए, और ये दोनों जो अंगुली है इसको मोड़ लेना है, मतलब ऐसे। अब ये तीन जो अंगुली बच रहे हैं जिसका नाम है अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को इस कदर फैलाना है लंबवत, यानी कि बिल्कुल ऐसे, इसको ऐसे और बिल्कुल इसको सीधा, यानी इस तरीके से फैलाना है। देख पा रहे होंगे बिल्कुल एकदम सपोर्ट 90 डिग्री पे है।
आप देखते पा रहे होंगे इस कदर बाएं हाथ का अंगुली कौन कौन सा अंगुली, तो अंगूठा, इसको तर्जनी, इसको मध्यमा बोलते हैं। तो अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को इस तरह से लंबवत फैलाना है कि अंगूठा क्या बताए, फोर्स, और कौन सा फोर्स, तो एफ एम, जैसा कि अभी हम लोग पढ़े एफ एम का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, और तर्जनी क्या बताए, चुंबकीय क्षेत्र बी, और ये मध्यमा विद्युत धारा को बताए। देखिए ये तीनों जो है ना उसको डायग्राम ऐसे ही बनाते हैं फ्लेमिंग का वाम हस्त के नियम में। तो अगर हमसे आएगा पूछेगा कि फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम क्या है, तो पहले उसको लिखने के बाद उसके नीचे फ्लेमिंग का वाम हस्त का जो फिगर है उसको जरूर क्रिएट करेंगे, जरूर बनाएंगे। याद रखिएगा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में क्या बताता है कि जब फ्लेमिंग के अनुसार यही बताया गया कि बाएं हाथ की तीन अंगुलियां अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को इस प्रकार लंबवत फैलाना है कि अंगूठा बताना चाहिए चुंबकीय बल की दिशा, तर्जनी बताना चाहिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा बताना चाहिए विद्युत धारा। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम। फिलहाल अभी फिगर को, इस फिगर को नहीं बनाएंगे, अभी हम लोग इसके फर्स्ट एरो देंगे। फर्स्ट एरो देकर कुछ बात लिखेंगे और फिर उसके नीचे ये फिगर बनाना है। तो फर्स्ट एरो देंगे, टॉपिक बनाकर लिखा जाए फ्लेमिंग के अनुसार बाएं हाथ की तीन अंगुलियां अंगूठा कौमा तर्जनी कौमा मध्यमा को इस प्रकार फैलाया जाए कि अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा कौमा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करता है। उसके नीचे ये फिगर को बना लेना है जो फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम को बतलाता है। तो ये जो फिगर है उसको लिखने के बाद बनाएंगे। तो ये फिगर बहुत क्रिएट अच्छा से कीजिएगा ताकि ये हमको बताए, देखने से पता चले कि कौन क्या बदला रहा है। बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र, आई मतलब धारा, अंगूठा बता रहा है, एफएम मतलब चुंबकीय क्षेत्र।